मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी की राजनीति में कहां है क्षेत्रीय दल। नमस्कार, मैं हूं अंजना द खबरदार न्यूज से। तो आइए आगे बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश में आने वाले विधानसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी की एंट्री से एक बार फिर क्षेत्रीय दलों और उनके प्रभाव पर बहस छिड़ गई है। मौजूदा राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में मध्य प्रदेश की राजनीति में छोटे या क्षेत्रीय दलों का उतना प्रभाव बाकी नहीं बचा है जितना किसी समय हुआ करता था। ऐसे में आम आदमी पार्टी के चुनावी समर में कूदने से क्षेत्रीय दलों के प्रभाव और उनकी प्रासंगिकता को लेकर चर्चा हो रही है। अब तक जितने क्षेत्रीय दल मध्य प्रदेश की राजनीति में सक्रिय रहे उनका प्रभाव अलग अलग इलाकों में सीमित रहा। जैसे समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का प्रभाव उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे इलाकों में रहा, जबकि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी मूल रूप से आदिवासी बहुल इलाकों में सक्रिय रही। आम आदमी पार्टी ने पूरी की पूरी 230 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को खड़ा करने की घोषणा की है, जबकि उसने 10 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट भी जारी कर दी है। ये पहला मौका है जब कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी तीसरे राजनीतिक दल ने प्रदेश की सभी सीटों पर उम्मीदवार खड़ा करने का ऐलान किया हो। वर्ष 2018 के चुनावों में ही आम आदमी पार्टी ने मध्य प्रदेश की राजनीति में अपनी उपस्थिति दर्ज करा ली थी, लेकिन उसे कोई खास सफलता नहीं मिल पाई थी। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे पंकज सिंह ने कहा कि पिछले विधानसभा के चुनावों में आम आदमी पार्टी का संगठन उतना मजबूत नहीं था और वो मध्य भारत की राजनीति में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहे थे। पंकज सिंह फिलहाल आम आदमी पार्टी की केंद्रीय कमेटी के संयुक्त सचिव हैं। वो कहते हैं, हमने पिछले 5 सालों में संगठन को मजबूत करने पर ही फोकस रखा था, इसका हमें फायदा भी हुआ। नगर निकाय चुनाव में हमारे 52 कार्यकर्ता जीत कर आए, जबकि 278 सीटों पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों ने दूसरा स्थान हासिल किया। जिला पंचायत के चुनावों में भी हमारा मत प्रतिशत 6.8 था। 1990 के दशक से ही मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच मुकाबला रहा है, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो या फिर विधानसभा के। क्षेत्रीय दलों की झोली में 5 या 6 सीटें ही आती रही हैं, जबकि निर्दलीय उम्मीदवार भी कुछ एक सीटों पर ही प्रभावशाली रहे हैं। हालांकि इन क्षेत्रीय दलों ने बड़ी पार्टियों के साथ चुनाव से पहले या फिर बाद में तालमेल बैठाए रखा। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक ले नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।